मनोज सिन्हा जी का, जिन्होंने अपने कर कमलों द्वारा अभी अभी इस भवन का, इस भव्य निर्वाचन भवन का उद्घाटन किया। श्री बीवीआर सुब्रमण्यम जी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर श्री हृदेश कुमार सिंह जी, माननीय अतिथियों से विनम्र निवेदन है कि वो पारंपरिक दीप प्रज्वलन के लिए तशरीफ लाएं। जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, आई ऑल्सो वेलकम स्पेशल गेस्ट ऑफ द फंक्शन, एडवाइजर टू द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री फारूक खान साहब, चीफ सेक्रेटरी जे एंड के श्री बी वी आर सुब्रमण्यम साहब, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जे एंड के श्री के शर्मा जी। टू मार्क द फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, the autonomous constitutional authority responsible for conducting elections. Elections in India are the world's most extensive democratic exercise and the Election Commission administers them. Mobile applications where people can easily register themselves as voters at home by not visiting any ERO or EERO offices. The NVD celebrations besides at UT headquarters is also being celebrated to voters, for newly registered voters as well as for all general voters. E-epic will be downloadable on mobile or in a self-printable form on the computer for already enrolled voters. In J&K, all the general voters whose mobile number or email is linked can download their e-epic from 1st February 2020. अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से मकसद हमारा यही कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, स्टेट के और यूटी के भी इलेक्शन कमिश्नर, और हमारे साथी के शर्मा साहब, चीफ सेक्रेटरी श्री वी वी सुब्रमण्यम साहब, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदेश कुमार सिंह साहब, हमारे शहर के मेयर श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी, सीनियर ऑफिसर। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इस दिन पर जो अभी हमने शपथ ली और उसके बाद इस दिन से पीछे जितनी भी एक्टिविटी हमारे इलेक्शन विभाग के से ताल्लुक रखने वाले ऑफिसर्स ने और उनके स्टाफ ने सब ने की, वही वजह है कि आज जब इस देश में कोई इलेक्शन होता है तो वो दो दो महीने के लिए किसी टीवी डिबेट में या किसी दूसरे माध्यम में चर्चा का विषय नहीं बना रहता, वो साफ सुथरा इलेक्शन होता है जिसका रिजल्ट आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से आता है। इतना मजबूत हो गया कि आज जिस वक्त हम आंकड़े देखते हैं, हमारा पिछला जो ये डीसी का जो इलेक्शन हुआ उसमें 51% से ज्यादा लोगों ने अपना मतदान दिया ओवरऑल यूटी में। जम्मू प्रोविंस में बहुत हैवी परसेंटेज रही, कश्मीर ने भी तमाम स्थितियों के बावजूद एक बहुत हेल्दी पार्टिसिपेशन शो की।
मुबारक देता हूं और बेस्ट विशेष भी कन्वे करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में भी ये जो प्रोसेस है इसमें और भी इम्प्रूवमेंट होकर और भी ज्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन इंश्योर की जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद। जोरदार तालियां बननी चाहिए इनकी मेहनत के लिए, एक लगातार प्रयास चलता रहता है। श्री अंजलि सल्गोत्रा जी, ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। इनके बाद संजय गुप्ता जी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो उन्होंने प्रयास किए टेक्निकल इंटरवेंशन टेकन फॉर इलेक्टोरल प्रोसेस। संजय गुप्ता जी, संजय जी के बाद मोहम्मद अशरफ मलिक, इलेक्शन ऑफिसर, उन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए स्मूथ डिलीवरी ऑफ इलेक्टोरल सर्विसेज, मोहम्मद अशरफ मलिक। इनके बाद जावेद अहमद गनाई, इलेक्शन असिस्टेंट सीनियर स्केल, इन्होंने जो स्मूथ डिलीवरी ऑफ इलेक्टोरल सर्विसेज उसमें सराहनीय योगदान दिया, जावेद। जावेद जी के बाद मंजीत कुमार, इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल, मंजीत कुमार। मंजीत जी के बाद नवीन चंद्र, इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल, जो स्मूथ डिलीवरी ऑफ इलेक्टोरल सर्विसेज, नवीन चंद्र। जनाब फारूक खान साहब, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव श्री बीवीआर सुब्रमण्यम जी, जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री हृदय जी, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर श्रीमान के शर्मा साहब, वर्चुअल मोड में जुड़े हुए हमारे सभी जिलों के जिलाधिकारी, डिप्टी कमिश्नर्स, देवियों सज्जनों तथा मित्रों, आज निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। कहें उसके ठीक एक दिन पहले जो लोकतंत्र की मूल ताकत है, मतदाता के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान और खुशी दोनों की बात है। एक बूंद रक्त की जमीन पर नहीं गिरी है और शायद लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर के इतिहास में हिंसामुक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में हम सब सफल रहे हैं। इसके लिए मैं मुख्य यहाँ के राज्य चुनाव आयुक्त को, यहाँ के पूरे प्रशासन को, चुनाव से जुड़े हुए सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूँ। लेकिन उससे ज्यादा यहाँ के सामान्य मतदाताओं का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ जिन्होंने लोकतंत्र में अपनी गहरी आस्था व्यक्त की। सभी राजनीतिक दलों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मीडिया के लोगों को भी मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। इस काम को अंजाम देने में आप सबका भी भारी सहयोग रहा। कहना चाहता हूं जो डीडीसी के चुने हुए प्रतिनिधि, आने वाले दिनों में अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, उनके चेयरमैन का, हम उनको भरोसा देना चाहते हैं कि हमारे प्रशासन की मनसा एकदम स्पष्ट है। जिस तरह से 73वें और 74वें संविधान संशोधन में अधिकांश अधिकार हमने पंचायतों को और अर्बन लोकल बॉडीज को दिए हैं, वैसे भी विकास के काम को चुनाव प्रबंध और संसाधन का उपाय करेंगे। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की कल्पना मुझे लगता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, ताकि समावेशी विकास किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का हो सके और उसे असली जामा पहनाया जा सके, और ये काम हमारे चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे। मैं हृदय से उन प्रतिनिधियों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। आज खासियत है कि वोटर्स माने मतदाता, चुने हुए प्रतिनिधि
और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी लोग मिलजुल करके एक साथ शपथ लिए हैं और एक साथ इस पर्व को मना रहे हैं। और मुझे लगता है कि कर्तव्यों की याद दिलाते हुए हमने ये बात कही है कि हर वोट जरूरी है लोकतंत्र में। हर वोट का उतना ही महत्व है, चाहे वो एलजी का हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी का हो या एक सामान्य मतदाता का हो। मुझे लगता है कि यही भारत के लोकतंत्र की असली ताकत है कि राजा हो या रंक हो, सबको एक ही वोट का अधिकार है। और इस चुनाव की विशिष्ट प्रक्रिया के कारण पूरे दुनिया में मैं समझता हूं कि भारत के लोकतंत्र की गूंज आज सुनाई पड़ रही है। अनेक लोगों ने वीडियो शेयर किया, महामारी के कोरोना महामारी के बावजूद भी पूरी मुस्तैदी पर मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक रोचक किस्सा मैं जरूर आपसे साझा करना चाहता हूं। 15 जून 1949 को जब सभी सदस्य केंद्रीय चुनाव आयोग के कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे, तो उस समय आप सब नाम सुने होंगे, पंडित हृदयनाथ कुंजलू एक सदस्य थे। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से आग्रह किया कि आप भी कुछ कहिए। बाबा साहब चाहते थे कि अनुच्छेद 289 जिसके तहत निर्वाचन आयोग को ठोस अधिकार दिए जाने थे, उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हो जाए और उसके बाद वह बोले। लेकिन पंडित हृदयनाथ कुंजरू के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जो बात कही वहां उसको उद्धृत करना मैं समझता हूं कि आवश्यक है। मताधिकार ही जनतंत्र का आधार स्तंभ है और अगर किसी को भी इस अधिकार से वंचित रखा गया तो वह लोकतंत्र की मूल भावना पर आघात होगा। मुझे लगता है कि निर्वाचन से जुड़े हुए, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या काम करने वाले हमारे सहयोगी, सबको इस भावना को समझने की जरूरत है। और यही वह भावना है जो भारत के लोकतंत्र को पूरे दुनिया में एक अलग पहचान दिलाती है। आप सबने जो प्रयास किया पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव कराया, पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी इसकी चर्चा हो रही है। कुछ संशोधन समय समय पर संविधान निर्माताओं ने जो सुझाए थे वे दूरदर्शी थे, लेकिन समय समय पर अनेक संशोधन भी किए गए। अब इस देश में बाई इलेक्शन उपचुनाव भी होते हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें मतदाता सूची वोटर लिस्ट हर समय तैयार रहे ताकि चुनाव में कोई समस्या न हो और मतदाताओं को कोई असुविधा न हो। धन दोनों का अपव्यय होता है, ये समय आ गया कि अब देश को इस पर विचार करना चाहिए कि एक ही मतदाता सूची, चाहे वो लोकल बॉडीज का चुनाव हो या विधानसभा और लोकसभा के चुनाव, उस दिशा में देश को आज सोचने की जरूरत है। बाबा साहब ने एक और महत्वपूर्ण बात उस समय कही थी, जो कानून हम बना रहे हैं वह निर्वाचक पदाधिकारियों को यह निर्देश देगा कि भारत के किसी नागरिक के प्रति अन्याय न हो सके जिसे संविधान के अधीन वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार हो। यह बड़ी बात है, किसी के साथ बिना भेदभाव के निर्वाचन आयोग काम करे, उसको मतदाता सूची में उसका नाम आवे। ये उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने यह बात कही थी। जो चुनाव तंत्र बनाया गया, जो कानून बनाए गए, वह हमारे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में राजनीतिक समानता के अधिकार को भी मजबूत करते हैं। अब कोहरदेव जी ने बताया कि 2011 से निर्वाचन आयोग हर वर्ष एक नए थीम पर यह उत्सव मनाता है ताकि नई पीढ़ी या भावी मतदाता, भावी वोटर्स सजग और जागरूक होकर के अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें। उन्होंने बताया हृदय जी ने कि इस साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो थीम है, मेकिंग आवर वोटर्स इम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म, और इस बार का फोकस आईटी टूल्स पर ज्यादा है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के जरिए चुनाव से संबंधित जो सर्विसेस हैं उन्हें मुझे लगता है कि कैसे प्रभावी ढंग से जमीन पर लागू की जाए, क्योंकि कोरोना
ने पूरी व्यवस्था को बदल दिया है। हर क्षेत्र में कुछ नई नई तरकीबें सोची जा रही हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। मुझे लगता है कि कोरोना ने और ज्यादा चुनाव आयोग को प्रेरित किया कि टेक्नोलॉजी का हम अधिकतम उपयोग कैसे करें, उसके बारे में विस्तार से हृदय जी ने बताया है। अब संचार प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल से मतदाता भी जागरूक हुआ है और पूरी प्रक्रिया भी अधिक मजबूत हुई है। विदेश में नाम नहीं लूंगा, एक इलेक्शन का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने में एक हफ्ते से ज्यादा समय लग गया। अखबारों में इसकी खूब चर्चा हुई कि किस तरह से इंडियन सिस्टम में इस तरह की समस्याओं का समाधान 2 दशक पहले ही कर लिया गया था। चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता को जिस तरह से भारत ने स्थापित किया है, मुझे लगता है कि हर भारतवासी को गर्व है इस बात पर और निश्चित रूप से हम सबको गर्व करना चाहिए। आज इस तरह की टेक्नोलॉजी और ऐप का इस्तेमाल चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव की पूर्व की तैयारियों से लेकर के पार्टियों का पंजीकरण, नए मतदाताओं का पंजीकरण, वोटर लिस्ट को अपडेट करना, अनेक काम अब आसानी से हम कर पा रहे हैं। वोटर पोर्टल से लेकर अभी जो लेटेस्ट ऐप इंडेक्स कार्ड बनाया गया है, वो मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने की हमारी जो दक्षता है, जो कौशल है, उसे हम अलग अलग देशों में भी बांट रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने 2011 में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट की स्थापना की थी, जिसके जरिए लगभग 30 देशों के 1000 चुनाव अधिकारियों को निर्वाचन प्रबंधन में प्रशिक्षित करने का काम हम सब ने किया है, हमारे देश के लोगों ने किया है। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। चुनाव प्रक्रिया को समृद्ध कर रहा है, उससे नागरिकों को भी प्रेरणा मिलती है और आज देश के मतदाताओं को बहुत ही खूबसूरत उपहार इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड के रूप में मिला है। यह डिजिटल वोटर्स कार्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई एक नई व्यवस्था है, जिसमें मतदाता की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ इलाके में होने वाले चुनाव की भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जम्मू कश्मीर के बारे में विस्तार से बताया गया, मुझसे दोहराना नहीं चाहता हूं कितने मतदाता हैं। हृदय जी ने पूरी विस्तृत चर्चा आपसे की है, लेकिन मतदाताओं की संख्या बोलने में, जब हृदय बोल रहे थे तो बहुत लोगों को लगा होगा कि बोल दिया, लेकिन इतने लोगों के लिए व्यवस्था करना, मैं समझता हूं कि अगर उसकी हम कल्पना करते हैं तब समझ में आता है कि काम कितना टीडियस है, कितना कठिन काम है और इस कठिन काम को इन लोगों ने अंजाम दिया है। और विशेष रूप से इस चुनाव में भौगोलिक कठिनाइयां, यहां की प्रतिकूल मौसम और उसमें भी मतदान केंद्रों की व्यवस्था करना, कोरोना की सावधानी को बरतना, इन सब चुनौतियों में मैं आभारी हूं स्टेट इलेक्शन कमीशन और चुनाव से जुड़े हुए सभी लोगों का जिन्होंने इसको अंजाम दिया। मैं जिसका जिक्र कर रहा था, अब्दुल गफार वानी साहब, उनकी फोटो 105 साल के हैं, छपी थी, लाठी लेकर के मतदान केंद्र तक आए थे। मैं समझता हूं कि ऐसे ही लोग हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में इन लोगों के कारण ही मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र को मजबूती मिली है। ऐसी अनेक कहानियां हैं जिनका बयां करना मुझे लगता है कि समय नहीं है। अंत में एक बार फिर से मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। सभी अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया में उनके अमूल्य योगदान के लिए बधाई देता हूं। इन साथियों को यहां पुरस्कृत किया गया है, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। लेकिन अब पुरस्कारों की संख्या सीमित होती है, हो सकता है और भी लोग डिजर्विंग हो, लेकिन संख्या सीमित है, इसलिए सीमित लोगों को ही दिया जा सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी के लोगों ने काम नहीं किया है, उनको भी हम अपने शब्दों से पुरस्कृत करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, क्योंकि उन सबके सहयोग से ही इस काम को हम अच्छे ढंग से अंजाम दे सके। हम सब मिलकर के फिर से एक बार आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यही पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। और
असिस्टेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिनकी रहनुमाई में ये सब मुमकिन हो सका। और ये मेमेंटो, ये स्मृति चिन्ह, और ये स्मृति चिन्ह चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर जिनके मार्गदर्शन में ये सब मुमकिन हुआ। और अब धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मेरा अनुरोध। Advisor to Honorable Lieutenant Governor, Mayor Jammu Municipality, the Chief Secretary, Jammu and Kashmir, State Election Commissioner, Chief Electoral Officer, Principal Secretary to Honorable Lieutenant Governor, Divisional Commissioner Jammu, and all esteemed guests present here in this hall, as well as those connected virtually, a very warm and cherished good afternoon. It is indeed a National Voters Day being celebrated this year to make our voters empowered, vigilant, safe and informed. On the behalf of the entire election department, I convey my heartfelt gratitude to the Honorable Lieutenant Governor for not only gracing the occasion as chief guest, but also for embellishing the occasion with valuable observations during his address. Sir, your words would go a long way in encouraging the officers and officials of the election department to attain further heights in their future endeavors. I'm also thankful to Shri Farooq Ahmed Khan, advisor to Honorable Lieutenant Governor, for gracing the occasion with his valuable address. I convey my special thanks to the worthy Chief Secretary, Jammu and Kashmir, Mayor, Jammu Municipal Corporation, State Election Commissioner, Jammu and Kashmir, for gracing the occasion with their esteemed presence. I'm also grateful to our Chief Electoral Officer for not only envisaging the conduct of this event, but also personally steering us all through the actual execution of it, even at micro levels. My special thanks to Principal Secretary to Honorable Lieutenant Governor, Divisional Commissioner Jammu, for gracing the occasion with their presence. I convey my thanks to all the representatives of the political parties who are one of the main stakeholders in all electoral processes for their esteemed presence. A special thanks to all the newly elected members of district development councils and other public representatives who are connected to us on this occasion from their respective districts virtually. I express my sincere thanks to all the media personnel for the coverage of this event, and also to Directorate of Information and for providing all support in disseminating the proceedings to the general masses. We have been fortunate to be supported by CCOP for making various arrangements for this function, and I convey my sincere thanks to the entire team of CCOP. My sincere सबसे विनम्र निवेदन है कि हम राष्ट्रीय गान के सम्मान में आदरपूर्वक अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य वीर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you.